गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप भी स्टेट बैंक के ग्राहक हैं या आपका भी खाता स्टेट बैंक में है और आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं और यूजर नेम भूल गए हैं, तो यूजर नेम कैसे जान पाएंगे या वापस जान पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो यह वीडियो देखिए। देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल की घंटी जरूर बजाइए इस तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग के थ्रू आप यूजर नेम कैसे, नेट बैंकिंग का यूजर नेम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हम अपने लैपटॉप के गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं SBI लॉगिन और इंटर पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही इंटर पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, हमारा पाला ही आ जाएगा लॉगिन ऑनलाइन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू लॉगिन। तो हम लोग कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो हमें क्या लाना है, यूजर नेम। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड, लेकिन दोस्तों हमें लाना है यूजर नेम। तो हम इस पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नीचे है फॉरगेट यूजर नेम दोस्तों। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे। उसके बाद आपको CIF नंबर देना है दोस्तों, यह आपको आपके स्टेटमेंट में मिलेगा या फिर आपके पासबुक में मिलेगा, तो ये आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं CIF नंबर डाल रहा हूं। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों, तो हमारा इंडिया है, हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपने कोर बैंकिंग में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वो आपको देनी है, मतलब जो आपने नेट बैंकिंग में दिया था। तो मैंने ये जो नंबर दिया था मैं वो डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से कैप्चा डालना है, कैप्चा बड़ी सावधानी पूर्वक डालना है दोस्तों। काफी लोग कैप्चा डालने में गड़बड़ा जाते हैं, जैसे मैं अभी कर गया, यहाँ पे स्मॉल भी दे दिया जबकि यहाँ पे कैपिटल भी है। तो आप कैप्चा अच्छे से डालिएगा दोस्तों, और यहाँ पे डी भी छोटा है तो हमें बड़ा कर देना है दोस्तों। और उसके बाद इसको आप सबमिट कर दीजिएगा या सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा आपका रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा OTP आ चुका है दोस्तों, तो आप अपना OTP लिखने वाले हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही अपना OTP लिखिएगा। और फिर कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप जैसे ही कंफर्म कीजिएगा तो स्क्रीन पे आपका देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों आपका यूजर नेम शो हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह आपको एक SMS भी आ जाएगा दोस्तों आपके मोबाइल पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।